क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग देखने वाले हैं मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का दूसरा सर्ग लक्ष्मी। यह सर्ग जो है लक्ष्मी के नाम पर है और इस सर्ग में महारानी लक्ष्मीबाई के जो है चरित्र का जो है चित्रण अंकित किया गया है कि उनके अंदर कितना धैर्य और साहस है और वास्तव में एक नारी का पहचान जो है कष्टों के समय, विपत्ति के समय ही होता है। तो शायद यह लक्ष्मी के जो है परीक्षा का समय भी है। तो इस जो है सर्ग को हम बहुत ही सरलता और सूक्ष्मता से जो है अध्ययन करने के बाद से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इस सर्ग को पढ़ने के बाद आपके दिल में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम। यह सर्ग महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर है। इस सर्ग में लक्ष्मी के ही चरित्र अंकित हैं। महारानी लक्ष्मी वैभव के दिन देखे हैं, सुख समृद्धि के दिन देखे हैं, मगर हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद उनको अरावली के जंगल में निर्धनता का जीवन जीना पड़ रहा है। वह कंदमूल फल खाकर और जमीन पर सोकर अपने दिन गुजार रही है। उनको अपने कष्टों का बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उनके दिल में उथल पुथल मचा हुआ है। वह अपने बेटे के दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। उन्हें अपने कष्टों का चिंता नहीं है, किंतु अब उनके गोद में एक बालक है, उसके जो है दयनीय दशा को देखकर उनका कभी कभी धीरज खो बैठता है। परंतु वह सोचती है कि राणा ने अपनी स्वतंत्रता नहीं बेची, शायद इसलिए यह दिन देखने को मिल रहा है। वह सोचती है, विचार करती है कि शायद हम लोगों को जो है अपनी ईमानदारी पर रहने का ही जो है यह दंड मिल रहा है, नहीं तो जो चोर हैं, बदमाश हैं, उनको जो है यह दिन, बेईमान है, उसको जो है यह दिन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो परंतु वह सोचती है कि राणा ने अपनी स्वतंत्रता नहीं बेची है, शायद इसलिए यह दिन देखने को मिल रहा है। इसके बाद वह उत्साहित होकर कहती है, इसके बाद वह उत्साहित हो जाती है, थोड़ा कहती है छोड़ो, जाने दो, जो हुआ सो अच्छा हो रहा है। तो वह उत्साहित होकर कहती है कि हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर, हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। यह कहने के बाद से तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा को पढ़कर राणा के आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद तीसरा सर्ग आएगा। तो दोस्तों, यह सर्ग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और तीसरा सर्ग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी जो है बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।